नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे आप ट्विटर का अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों आपको मालूम होगा ट्विटर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, यहां पर बड़े बड़े लोग रहते हैं और यहां पर लगभग जो काफ़ी अच्छे अच्छे लोग इसका यूज़ करते हैं। और दोस्तों यहां पर काफ़ी सारे लोग इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन उनको ट्विटर का अकाउंट बनाना नहीं आता है। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ कैसे आप ट्विटर का अकाउंट बनाएंगे और दोस्तों इसको कैसे आपको चलाना है, कैसे यूज़ करना है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो यहाँ पे मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ यहाँ पर आप ट्विटर का अकाउंट बनाना सीख जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देन आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है TWITER, यहाँ पे आपको ट्विटर लिख के सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही देखने को मिलेगा ट्विटर। बस क्या करना है, इस एप्लीकेशन को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से क्लिक करके इस एप्लीकेशन को वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ कुछ सेकंड। इंस्टॉल करने के बाद आपको करना क्या कि इस एप्लीकेशन को आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्रिएट अकाउंट का एक बटन, बस क्या करना इस क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेम, यहाँ पे क्या करेंगे इस बॉक्स में अपना नेम फिलअप करेंगे, आपका जो भी नाम होगा यहाँ पे क्या करेंगे अपना नेम को यहाँ पे सही सही फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना नेम को यहाँ पे सही सही फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना नेम फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इस बॉक्स में क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर सही सही फिलअप करना है। अगर आप अपना मोबाइल नंबर से बनाना चाहते हैं ट्विटर अकाउंट तो यहाँ पे क्या करेंगे अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है। अगर आप यहाँ पे ईमेल आईडी से बनाएंगे अपना ट्विटर अकाउंट तो यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा यूज ईमेल इन टेस्ट, यहाँ पे क्या करना इंस्टेड, यहाँ पे क्या करना इसमें क्लिक करके अपना ईमेल एड्रेस को फिल कर सकते हैं अपना अकाउंट के लिए। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर से अपना ट्विटर अकाउंट बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं अपना मोबाइल नंबर को यहाँ सही सही फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर सही सही फिलअप करने के बाद देन आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे क्या करेंगे इस बॉक्स में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को सही सही फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको मंथ देखने को मिलेगा कौन सा मंथ है, यहाँ पे क्या करेंगे अपना मंथ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इधर, यहाँ पे आपको डेट देखने को मिलेगा कौन सा डेट है, यहाँ पे क्या करेंगे अपना डेट को सेलेक्ट करेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको इधर देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे इधर आपको देखने को मिलेगा आपका ईयर, यहाँ तो क्या करेंगे आपको जो भी ईयर होगा सबसे नीचे आपको आ जाना, जैसे आपको जो भी होगा 1998, 2001 जो भी होगा यहाँ पे क्या करेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे, अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में 4 सितंबर 1998 यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा नेक्स्ट, बस क्या करना है इस नेक्स्ट पे आपको क्या करना है क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आप इंटरफेस देखने मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे साइड देखने मिलेगा नेक्स्ट, बस क्या करना है फिर से आपको यहाँ पे नीचे साइड इस नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आप इंटरफेस देखने मिलेगा, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे साइड देखने मिलेगा साइन अप, बस क्या करना है आपको यहां पे इस साइन अप पे आपको यहां पे क्लिक कर देना है। जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे आपको सामने इस तरह से देखने मिलेगा जो भी नंबर आप डालेंगे उसमें एक ओटीपी आता है, यानी एक कोड आता है वेरिफिकेशन के लिए, बस क्या करना है यहां पे आपको ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहां पे ओके में क्लिक करेंगे आपने जो भी नंबर दिया होगा उस नंबर पर एक ओटीपी आता है, एक कोड आता है, यहां पे देखेंगे मेरा वेरीफाई ऑटोमेटिक यहां पे हो चुका है और यहां पे मेरा एक मैसेज भी आ चुका है। अगर आपका यहां पे ऑटोमेटिक यहां पे आपका नहीं आता यहां पे कोड तो क्या करेंगे आपको जो मैसेज आता है उस मैसेज में आपको कोड लिखा होता है उस कोड को यहां पे फिलअप करेंगे। तो यहां पे मेरा ऑटोमेटिक यहां पे कोड फिलअप हो चुका है। कोड को फिलअप करने के बाद देन आपको यहां पे नीचे देखने को मिलेगा नेक्स्ट, बस क्या करेंगे इस नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पे आपको देखने को मिलेगा पासवर्ड, इस बॉक्स में क्या करेंगे आप जो भी अकाउंट बनाए हैं उसके लिए आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहां पे अपना क्या करेंगे यहां पे आपको 8 कैरेक्टर का यहां पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो गाइस यहां पे पासवर्ड जो होगा आपको यहां पे स्ट्रांग होगा, यानी आपका जो नाम होगा यहां पे आपका नाम से अगर बनाना चाहते हैं तो आपने यहां पे अपना फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना है। जैसे मैं यहां पे आपको लिखा दिखाता हूं, जैसे फर्स्ट लेटर आपको क्या करना है कैपिटल लिखना है। उसके बाद देन आपको क्या करना है स्मॉल लेटर लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कुछ नंबर्स ऐड करना, कुछ भी नंबर ऐड करेंगे उसके बाद क्या करेंगे एक स्पेशल कैरेक्टर भी आपको यहां पे लगाना है। यहां पे आप क्या करेंगे एक स्पेशल कैरेक्टर भी लगाएंगे, यानी आपका जो पासवर्ड होगा स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब कि आप यहां पे स्क्रीन में देख सकते हैं इस तरह से अपना पासवर्ड को क्रिएट करना है। पहला लेटर आपको कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल होना चाहिए, उसके बाद कुछ नंबर ऐड कर सकते हैं या तो आप क्या स्पेशल कैरेक्टर भी यहां पे ऐड कर सकते हैं। तो यहां पे मैं अपना एक पासवर्ड को यहां पे फिलअप कर लिया हूं,
पासवर्ड फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा नेक्स्ट, बस क्या करना है इस नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ सेकंड इस तरह से लोडिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा व्हाट डू यू वांट टू सी ऑन द ट्विटर, यानी आप ट्विटर में क्या क्या देखना पसंद करना चाहते हैं, यानी आप जो भी यहाँ पे क्लिक करेंगे वही आपको ट्विटर में आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा यहाँ पे कैटेगरी देखने मिलेगा, म्यूजिक, इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट, गेमिंग, फैशन। अगर आप यहाँ पे न्यूज़ देखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक म्यूजिक ले लेता हूँ, यहाँ म्यूजिक में क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या क्या देखना चाहते हैं, अगर यहाँ पे साइंस से रिलेटेड देखना चाहते हैं साइंस से आपको देखने मिलेगा, फिटनेस, ट्रेवल। अगर आप इनमें से आपको यहाँ पे पसंद आया तो इधर का आप यहाँ पे क्या करेंगे ट्विटर, यहाँ पे ट्रेवल, आर्ट्स, गेमिंग, इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट, जो भी आपको यहाँ पे पसंद आया हमें क्या करेंगे एक स्टेप बाय स्टेप क्लिक करना। जैसे मैं इंटरटेनमेंट ले लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा कैरियर्स, जो भी देखना, यानी आपको इनमें से थ्री सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे टू यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है, उसके बाद आपको और एक सेलेक्ट करना है, यानी लगभग आपको यहाँ पे तीन को सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा नेक्स्ट का एक ऑप्शन आ जाएगा, बस क्या करना है आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड आपको यहाँ पे लोडिंग लेगा, आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, फिर से आपको यहाँ पे देखने मिलेगा व्हाट डू यू वांट टू सी, यानी आप क्या देखना चाहते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा कैटेगरी आप यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको इनमें से कुछ भी कैटेगरी देखना है। जैसे यहाँ पे बिजनेस देख लेंगे, बिजनेस, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जो भी आपको सेलेक्ट करना है पे चूज कर सकते हैं अपने अनुसार। यहाँ पे न्यूज़ वगैरह देखना है तो यहाँ पे आपको सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, जो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी, यहाँ पे सब बहुत सारा गेमिंग का भी आ जाएगा, जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगे उनमें से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा नेक्स्ट, बस क्या करेंगे इस नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह पे इंटरफेस देखने मिलेगा। यहां से अगर आप किसी को फॉलो करना चाहते हैं, यहां पे देखेंगे रेडियो सिटी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, यहां पे आपको बहुत सारा आपको यहां पे पॉलिटिकल हम देखने मिलेगा, जिसको भी फॉलो करना, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं नरेंद्र मोदी को फॉलो कर लेता हूं, या फॉलो करने बाद नीतीश कुमार को, इसको भी फॉलो कर लिया, मतलब जिसको भी फॉलो करना है अगर यहां पे फॉलो करेंगे तो वो भी जब भी कुछ भी अपडेट देगा, सबसे पहले यहां पे क्या होता है जो भी बड़े लोग होते हैं तो सबसे पहले ट्विटर में ही अपडेट देता है। कुछ भी कोई सा भी न्यूज हो सबसे पहले ट्विटर में ही अपडेट किया जाता है। तो यहां पे क्या करेंगे, बड़े बड़े लोगों को अगर फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम देखें अखिलेश यादव को भी फॉलो कर लेता हूँ, जिसको भी आपको फॉलो करना है, मैं देखें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे इसको भी फॉलो करना है, जिसको भी फॉलो करना है फॉलो कर लेंगे। फॉलो करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा नेक्स्ट, बस क्या करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा पिक अ प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे क्या करेंगे अपना ट्विटर अकाउंट के लिए एक आपको प्रोफाइल पिक्चर को यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा अपलोड, बस क्या करना है इस अपलोड में क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे अपलोड में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टू ऑप्शन देखने मिलेगा, टेक अ फोटो, चूज एग्जिटिंग फोटो, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा टेक फोटो। अगर टेक फोटो में क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अपना कैमरा से अभी फोटो क्लिक करके डाल सकते हैं, या तो आप क्या करेंगे यहाँ पे चूज फोटो में क्लिक करेंगे। चूज फोटो में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका गैलरी ओपन हो जाएगा, जो भी फोटो आप सेट करना चाहते हैं पे गैलरी में आपका जो भी फोटो होगा, जिस भी फोटो को आप लगाना चाहते हैं पे क्लिक करके यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैं एक फोटो को यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, एक फोटो यहाँ पे क्या करूँगा इस फोटो में सेलेक्ट करूंगा, करने के बाद यहाँ पे देखेंगे मेरा यहाँ पे फोटो यहाँ पे आ चुका है। आने बाद यहाँ पे आपको ऊपर साइड देखने मिलेगा अप्लाई, बस क्या करेंगे इस अप्लाई में क्लिक करेंगे। अप्लाई में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा अलाउ, बस क्या करेंगे इस अलाउ पे क्लिक करेंगे। अलाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे मेरा यहाँ पे फोटो यहाँ पे प्रोफाइल फोटो यहाँ पे ऐड हो चुका है। ऐड करने के बाद देन आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा नेक्स्ट, बस क्या करना है इस नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा व्हाट शुड यू कॉल यू, यानी आप यहाँ पे अपना यूजर नेम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरा यूजर नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। अगर आप यहाँ पे यूजर नेम और भी यहाँ पे लगाना चाहते हैं, दूसरा यूजर नेम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपना ट्विटर अकाउंट के लिए यूजर नेम और भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे यूजर नेम आ चुका है। यूजर नेम आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा नेक्स्ट, बस क्या करेंगे इस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कनेक्ट योर एड्रेस बुक फाइंड पीपल मे नो ऑन ट्विटर, तो इस तरह से देखने मिलेगा आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा नोट नाउ, बस क्या करना है आपको इस नोट नाउ पे क्लिक कर देना। नोट नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, यानी आप कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, तो यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंग्लिश कर लेंगे, हिंदी कर लेंगे, अगर आप यहाँ पे बंगाली देखना पसंद करते हैं बंगाली में क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश में चूज रहने देना, उसके बाद आपको नीचे देखने मिलेगा नेक्स्ट, बस क्या करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फाइनली यहां पे आपका अकाउंट सक्सेसफुल यहां पे आपका अकाउंट यहां पे क्रिएट होकर आ जाएगा, इस तरह से देखने मिलेगा। उसके बाद गाइस यहां पे आपको सजेस्ट देखने मिलेगा, अगर आप इनमें से किसी को फॉलो करना चाहते हैं फॉलो ऑल में क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी पॉलिटिकल से रिलेटेड जितना भी लीडर्स होगा उनको आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉलो हो जाएगा, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो। अगर नहीं करना चाहते हैं नोट नाउ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे गाइस यहाँ पे सारा कुछ जो भी अपडेट मिलेगा यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे आपको ट्विटर में कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पे अपडेट करेगा तो सबसे पहले ट्विटर में ही अपडेट करता है, कुछ भी न्यूज हो सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, सारा न्यूज यहाँ पे आ जाएगा। जो भी जिसको भी अगर आप फॉलो करना है, अगर किसी को फॉलो करना है यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा सर्च में क्लिक करेंगे। सर्च में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर देखने मिलेगा सर्च ट्विटर, इसमें क्लिक करेंगे। देन उसका जिसको भी सर्च कर जिसको भी फॉलो करना उनका यहाँ पे नेम फिलअप करेंगे और देन यहाँ पे आपको सर्च में क्लिक करके उनको फॉलो कर सकते हैं।
सकते हैं, तो यहाँ पे फॉलो कर लेंगे तो यहाँ पे आपका उनको देखने मिलेगा। तो गाइस अगर अपना अकाउंट पे कुछ भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर साइड देखने मिलेगा प्रोफाइल, इस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे अपना प्रोफाइल में चेंज कर सकते हैं, किसी को अगर यहाँ पे अपना नेम को चेंज करना है, यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल यहाँ पे कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे आप जिसको भी फॉलो किए हैं उसको अनफॉलो करना, सारा कुछ यहीं से कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से बड़ी आसानी से अपना ट्विटर पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, यानी अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।